हेलो दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, क्या आप गलती से आपके इम्पोर्टेंट फाइल्स को डिलीट कर दिया है और आप वो फाइल्स को रिकवर करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं? तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप कैसे डिलीटेड फाइल को रिकवर कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए। लेकिन हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट करें तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं जिस सॉफ्टवेयर के बारे में आज बताने वाला हूँ वो है वंडरशेयर रिकवरहिट। मार्केट में ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं और कुछ तो फ्री भी है जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स देखा है जो प्रॉपरली रिकवर नहीं कर पाता है वीडियोस को। रिकवर होने के बाद वीडियो फाइल्स करप्ट शो करता है। बहुत सारे टेस्ट करने के बाद मैं इस सॉफ्टवेयर को आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार ओवरराइड करके भी देख चुका हूँ ये फाइल को रिकवर कर लेता है बड़े ही आसानी से। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी फाइल किसी भी ड्राइव से गलती से अगर आप डिलीट करते हैं तो आपको रिकवर जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा ओवरराइट होने से प्रॉपरली रिकवर नहीं हो सकता। तो चलिए अब देखते हैं रिकवरहिट एप्लीकेशन को आप कहां से डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में टाइप करना पड़ेगा वंडरशेयर रिकवरहिट। ये जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप वेबसाइट को ओपन करें। मैक और विंडोज दोनों वेस में ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। 1000+ फाइल्स फॉर्मेट को आप रिकवर कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से, जैसा कि NTFS, FAT, HFS Plus, APFS, जो कि Apple फाइल सिस्टम फॉर्मेट है। आप किसी भी स्टोरेज में से मीडिया को रिकवर कर सकते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो और चाहे वो इंटरनल हो, जो भी ड्राइव हो, पेन ड्राइव, SD कार्ड, सभी स्टोरेज से ही आप रिकवर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर का रिकवर रेट बहुत ही हाई है। दोस्तों, बस 3 स्टेप में आप रिकवर प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि डाउनलोड एंड लॉन्च द रिकवरहिट एप्लीकेशन, देन स्कैन करें जो भी ड्राइव आपको रिकवर करना है। स्कैन करने के बाद आपको जो भी फाइल्स चाहिए आप सिलेक्ट करके रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं मैक यूजर हूं, तो मैक के लिए मैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करता हूं। विंडोज में इंस्टॉल करना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक .exe सेटअप फाइल डाउनलोड होता है जिसको आप क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। मैक में इंस्टॉल करने के बाद मैं लॉन्च करता हूं रिकवरहिट एप्लीकेशन को। तो दोस्तों, ये है रिकवरहिट एप्लीकेशन का इंटरफेस। आप देख सकते हैं इसका वर्जन है 9.0.9। तो ये देखिए, ये सब मेरा इंटरनल ड्राइव्स है और एक एक्सटर्नल पेन ड्राइव भी इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। आप अगर चाहे तो किसी स्पेसिफिक लोकेशन को सिलेक्ट करके भी आप रिकवर कर सकते हैं, जैसा कि ट्रैश और रिसाइकल बिन से अगर कुछ आप फाइल्स को रिकवर करना चाहते हैं तो आपको ट्रैश सिलेक्शन करना पड़ेगा। शायद विंडोज में रिसाइकल बिन शो होता है। डेस्कटॉप और किसी स्पेसिफिक फोल्डर को सिलेक्ट करके भी आप रिकवर कर सकते हैं। कुछ एडवांस रिकवरी ऑप्शंस भी आपको मिल जाता है, जैसा कि स्क्रैच कंप्यूटर में से और एडवांस वीडियो रिकवरी ऑप्शन में क्लिक करके आप वीडियो और फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई भी वीडियो सही से प्ले नहीं हो रहा है तो आप इस एप्लीकेशन से वीडियो को रिपेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं ये एप्लीकेशन काम सही से करता है या नहीं। इसके लिए मैंने कुछ फाइल्स को पेन ड्राइव में कॉपी किया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सारे फाइल्स को पेन ड्राइव से डिलीट करता हूँ। पेन ड्राइव से डिलीट करने के बाद मैं ट्रैश से भी सारे फाइल्स को
डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर पिन ड्राइव और एक्सटर्नल ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद जस्ट रिकवर प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट बटन में क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए रिकवर प्रोसेस अभी स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब अभी ड्राइव जो है स्कैन हो रहा है। रिकवर होने का जो टाइम है वो डिपेंड करता है स्टोरेज के साइज के ऊपर, जितना जीबी का स्टोरेज रहेगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। दोस्तों स्कैन कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह के एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें ये रेड कलर में एक टेक्स्ट हाईलाइट किया हुआ है, अगर फाइल डिलीट हो चुका है तो जल्दी से जल्दी रिकवर करें ओवरराइट होने से पहले। तो आपको मैंने पहले भी बोला है ओवरराइट होने से पहले जितना हो सके आप जल्दी से रिकवर कर लीजिए अगर कोई फाइल डिलीट होता है तो सिंपली गॉट इट में क्लिक करके आप देख सकते हैं कितने सारे फाइल्स रिकवर हो चुका है। मैंने जो फाइल्स डिलीट किया था वो सब रिकवर हो गया है। अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक फाइल टाइप को सिलेक्ट करके चूज करना तो आप वो भी कर सकते हैं। जो भी फाइल आपको चाहिए वो चूज करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन रिकवर ऑप्शन। इसके बाद आपको एक डेस्टिनेशन चूज करना पड़ेगा जहां पर आप रिकवर फाइल्स को सेव करना चाहते हैं। यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जिस ड्राइव को स्कैन कर रहे हैं रिकवर करने के लिए आप उसी ड्राइव में सेव करने का कोशिश मत करें क्योंकि ये सेव नहीं हो पाएगा और ये सही भी नहीं है। तो जब भी आप सेम ड्राइव के ऊपर रिकवर करना चाहेंगे तब आपके सामने कुछ इस तरह का एक मैसेज शो होगा, आपको सिंपली चेंज पाथ में क्लिक करके डेस्टिनेशन को बदलना पड़ेगा और सेव करना पड़ेगा किसी दूसरे ड्राइव पर। ये देखिए रिकवर अभी हो गया है। अब ओपन फोल्डर में क्लिक करके आप उस फोल्डर को ओपन करें जहां पर आपने रिकवर किया था। ये देखिए दोस्तों जो भी फाइल्स मैंने डिलीट किया था वो प्रॉपरली ओपन हो रहा है और काम भी कर रहा है, कोई भी फाइल करप्ट नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप रिकवर इट एप्लीकेशन की मदद से किसी भी फाइल को रिकवर कर सकते हैं और अगर वीडियो करप्ट हो गया है तो उसको आप रिपेयर भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों से शेयर करना ना भूले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। वीडियोज अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।